हे गाइस, आज हम देखेंगे एक न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल। और उस वीडियो के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अब कोरोना वायरस की वजह से जॉब मार्केट में एक रिसेशन टाइप आ रहा है और जो नई जॉब्स आएंगी उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज अब फिजिकल कनेक्शन से लोग ऑनलाइन कनेक्शंस पे मूव हो रहे हैं। अगर आप पहले सामान खरीदने शॉप्स पे जाते थे, अब उनमें से कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज लोग ऑनलाइन सामान खरीदने की शुरू कर रहे हैं। देर आर वेरियस काइंड ऑफ एप्स जिनका मार्केट में एक तरह का ग्लट ही आ चुका है। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज मेडिसिन कैन बी ऑनलाइन परचेस्ड, बुक्स, कोई भी चीज आपको खरीदनी है, कोई आजकल खाने का सामान है, एवरीथिंग आपको घर पे डिलीवर होने की बात की जा रही है। इतनी हर प्रोडक्ट के लिए ऐप है। अगर आपको दिवाली के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स खरीदने हैं, उसके लिए एक अलग ऐप है। तो एवरी ऐप इज देयर इन द मार्केट एंड देयर आर न्यू एप्स आर कमिंग डेली। ओके, सो मार्केट अगर ऑनलाइन मूव हो रही है, फिजिकल कनेक्शंस कम हो रहे हैं, तो उनके लिए हमें भी न्यू स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, बिकॉज उन न्यू एप्स की, न्यू फर्म्स की, न्यू स्टार्टअप्स की अपनी एक नई तरह की रिक्वायरमेंट्स होंगी। पहली बात तो ये। दूसरी, जो कोर्सेज पहले पेड कोर्सेज हुआ करते थे, बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड में, उनके जो पेड कोर्सेज हुआ करते थे, अब वो कोर्सेज, काफ़ी कोर्सेज फ्री हो गए हैं। जो कंपनीज हैं स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज लेके आई हैं, और हमारे इंडियन जो कॉलेजेस का, आईआईटीज का बेसिकली एक कंसोर्टियम है नेम्ड एनपीटेल, वो भी, उन्होंने भी अपने काफ़ी इंजीनियरिंग के कोर्सेज, वहाँ के प्रोफेसर्स ने ही मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बना के ऑनलाइन सबके लिए फ्री डाल दिए हैं इस पोर्टल पे, एनपीटेल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, राइट। सो सेम गोज विद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सेम सिमिलर टाइप ऑफ पोर्शंस गोज विद गूगल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन इंटर्नशिप्स, एक नया इंटर्नशिप का भी आया है मैटर, एनपीटेल ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली लॉन्च किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले शुरू करते हैं। एज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक पेज खोला हुआ है, और ये सारे लिंक्स ही मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएं और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कोर्सेज सेलेक्ट करें उसकी स्किल आप प्रॉपरली एक्वायर करें। एक और बात, बच्चे कोर्सेज में रजिस्टर कर लेते हैं ऐसी वीडियोस देख के, जैसे कि मैं बना रहा हूं, और भी बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स ने बनाई हैं, लेकिन परसीवरेंस मेंटेन नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी अगर कोर्सेज एनरोल करते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइम अपने दिन का निकालिए, चाहे आप बहुत ही बिजी हैं लेकिन शेड्यूल में, चाहे वीकेंड में वो कोर्स कीजिए, लेकिन परसीवरेंस से उसे कोर्स को कंप्लीट कीजिए और पूरा ध्यान से करिए, और उनके क्विजेज को अटेंड कीजिए, उनके असाइनमेंट्स कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है? इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड क्लास पीपल, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स, देन ऑब्वियसली यू विल गेट यू एंड यू विल गेन मच मोर इफ यू आर सीरियस अबाउट इट। तो परसीवरेंस से, पेशेंस से पूरे पूरे कोर्सेज कीजिए, जो भी, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आई होप वो स्किल आप में डिवेल्प हो और आप पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्रो करें। अगर आप सब मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी विल ग्रो। ओके, सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये ऑनलाइन लर्निंग harvard.edu, आई विल गिव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। सबसे पहले अगर आप व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, तो ये सारे लगभग कोर्सेज हैं, और यहाँ पे कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। कैटेगरीज आर सब्जेक्ट एरिया, आर्ट एंड डिज़ाइन के बहुत कोर्सेज हैं, बिजनेस के, कंप्यूटर साइंस के, डेटा साइंस के। आजकल डेटा साइंस है भी एक बज वर्ड, लेकिन इन दी एंड डेटा साइंस में है क्या? डेटा साइंस इज प्योर मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, एवरीथिंग इज देयर। डेटा साइंस को बहुत सारी लैंग्वेजेस से किया जा सकता है, लेकिन एक और बजवर्ड की लैंग्वेज है, डेटा साइंस विद पाइथन और डेटा साइंस विद जावा, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन डेटा साइंस, अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोर्स में अगर आप कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 15 कोर्सेज आ रहे हैं, राइट। और ये सारे फ्री हैं गाइस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारे फ्री हैं। कुछ कोर्सेज एडेक्स के साथ बनाए हैं, कुछ कोर्सेज में भी अदर जो पोर्टल्स हैं, एजुकेशन पोर्टल्स हैं, जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, उनके साथ बनाए हैं, लेकिन ये सारे फ्री हैं। और जैसे 13 वीक्स लॉन्ग का एक टाइम पीरियड है, आप वो जाइए और वो कोर्स को कंप्लीट कीजिए।
मैं आपसे बेट लगाता हूं कि अगर आपको इस किसी टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप टॉपिक को कंप्लीट करते हैं यहां से, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीख के ही यहां से निकलेंगे, कोई ना कोई स्किल एक्वायर करके ही निकलेंगे। तो अब जैसे कई बच्चों को होता है, कोई क्लास ट्वेल्थ का है, कोई क्लास टेंथ का है, कोई कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, या कोई घर पे अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड है, उनको पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। तो जैसे वेब प्रोग्रामिंग विद पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट का CS50 का कोर्स है। वैसे जो ये CS50 है ना गाइस, इसका जो एक बैकग्राउंड बताता हूँ, इनको शुरू किया था जो प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, डेविड जे मिलान ने। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, और पिछले 4-5 साल से तो मैं उन्हें यूट्यूब पे देखता आ रहा हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे कोर्सेज, उनकी जो लैंग्वेज है बताने की, जैसे ये CS50 फॉर लॉयर्स का भी यहाँ पे कोर्स है, इंट्रोडक्शन टू CS50 है, बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने आपको कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट सिखा देने हैं। सो ज़रूर अगर आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, आपका फील्ड है, आप इनमें से कोई ना कोई कोर्सेज ज़रूर कीजिए। जैसे आजकल क्या है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का काफ़ी ट्रेंड वैसे भी पिछले 3-4 साल से चल रहा है और आगे भी चलेगा। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि ऐप ओरिएंटेड मार्केट हो रही है, तो इसलिए मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बहुत ही एक नई चीज़ और बहुत ही, मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, बहुत ही पैसा कमाने वाली चीज़ है। तो इसलिए CS50 का जो ये कोर्स है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, ये भी कीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और एक एंड में भी आपको मैं चीज़ बताने वाला था, लेकिन वो अभी बता देता हूँ। जैसे गाइस एक नई चीज़ है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई, फुल स्टैक डेवलपमेंट की। जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है उसमें चार बेसिकली, आजकल एक स्टैक बना रखा है वेब डेवलपमेंट के लिए, उसे MERN बोलते हैं, जिसमें MongoDB, Express.js, React.js एंड Node.js के बारे में बात की गई है। वो भी आप अगर वो स्टैक पूरा सीखेंगे तो आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे, एक वेब एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और जैसे CS50 फॉर लॉयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं, आप जरूर कीजिए अगर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है। डीप लर्निंग जैसे ट्रेंडिंग में है और ये बजवर्ड भी है वर्ल्ड में, कंप्यूटर साइंस फील्ड में स्पेशली, अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपने गूगल का टेंसर फ्लो सुना होगा, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे कोर्सेज और भी हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में टोटल 214 कोर्सेज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज के हैं। प्राइसिंग भी है यहाँ पे, फ्री और पेड भी हैं, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, कैच सिर्फ एक ही है कि अगर आपको कोर्स करना है, स्किल सीखनी है, तो वो फ्री है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है, अगर एडेक्स जैसी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ से कनेक्ट करके, तो कोर्स फ्री है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ विद प्राइस, वो अराउंड $99 का है। तो आप अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने कहीं शो करना है या रिज्यूमे बिल्ड करना है, वैसे रिज्यूमे आप सिर्फ स्किल से बिल्ड कर सकते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, जो भी रिक्रूटर होगा वो आपकी स्किल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो अगर आपने वो जस्टिफाई कर दी, स्टिल यू विल गेट द जॉब। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे। अगर स्कूल्स देखेंगे तो हार्वर्ड के जो मोस्टली स्कूल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे कोर्सेज अपने डाले हुए हैं। सो ये थी पहली बात। एक इंपॉर्टेंट कोर्स, जैसे मैंने बजवर्ड के बारे में बात की, तो बजवर्ड क्या है, जैसे मैं डेटा साइंस का ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट है, इट इज़ जस्ट फॉर 2 or 3 weeks का इसमें ड्यूरेशन है, और यहाँ पे जैसे 2 weeks लॉन्ग है ये, और 50 to 20 hours अगर पर वीक आप देते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और बात, ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है, यहाँ पे एडेक्स पे आप रजिस्टर कीजिए और ये कोर्स कर सकते हैं, राइट। तो ये कोर्स भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्टर होंगे इस कोर्स में, बेसिकली एसोसिएटेड स्कूल्स हैं जो हार्वर्ड का ही TS चैन स्कूल है, ओके, ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और कोर्स बिल्कुल ये फ्री है। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज गूगल डिजिटल गैराज। आप गूगल पे जाके ही लिखेंगे गूगल डिजिटल गैराज तो ये पहला ही लिंक आ जाएगा, लर्न ऑनलाइन मार्केटिंग विद फ्री कोर्सेज। तो देर आर अराउंड 125 कोर्सेज अवेलेबल डेटा एंड टेक में, डिजिटल मार्केटिंग में, करियर डेवलपमेंट में। कुछ 2 घंटे कोर्स हैं, कुछ 2 to 10 hours के कोर्स हैं, कुछ फ्री सर्टिफिकेट हैं, कुछ पेड सर्टिफिकेट्स भी हैं। फ्री सर्टिफिकेट जैसे एक बिगिनर कौन से लेवल से आप काम करना चाहते हैं, कोर्स पर किसने कंपनी ने या किसी यूनिवर्सिटी, जैसे मोनैश यूनिवर्सिटी है, इन्होंने किसने प्रेजेंट किए हैं। लेकिन एक कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पहला ही कोर्स है, ये डिजिटल मार्केटिंग का। इवन आई myself enrolled इन दिस, और मैंने अराउंड 32% इसका कंप्लीट कर भी लिया है, ये मेरा ही लर्निंग प्लान है, मैंने इसका स्नैपशॉट लिया है, और मैंने एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग भी एनरोल किया जो कि 1 घंटे का ही है, लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग है दैट इज अराउंड
40 आवर्स कोर्स, ओके, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स और क्विजेज हैं और ओवरऑल क्विजेज भी हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ऐसे करें, क्योंकि आने वाले जो स्किल्स हैं गाइस, जैसे मैं एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाना है, तो इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स से आप सीखेंगे। हमें पता होता है कि हम वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन उस वेबसाइट को प्रमोट कैसे करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे करनी है, जो वीडियोस के या हमारे वेबसाइट्स के अंदर मेटा टैग्स होते हैं वो कैसे लगाने हैं, उनका क्या बेनिफिट है, सर्च इंजन हमारी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे करेगा, क्या क्या जरूरतें हैं, या अगर हम कल को पेड सर्चेज भी खरीदते हैं तो पेड सर्चेज का कैसे बिडिंग होती है, सब कुछ इस कोर्स में कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया है। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग की मार्केट में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, हर बिजनेस को आजकल ऑनलाइन होने की और भी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है पोस्ट कोविड-19, तो इसलिए इस कोर्स की वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे अगला कोर्स है गेट बिजनेस ऑनलाइन, ये आजकल की रिक्वायरमेंट को देख के ही ये कोर्सेज बनाए गए हैं, जैसे मेक श्योर कस्टमर्स फाइंड यू ऑनलाइन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोर्सेज, राइट। और इसके आगे अगर आपको डेटा एंड टेक में जाना है, तो अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी में, मशीन लर्निंग का एक 15 आवर्स का कोर्स भी है, उस वो भी आप कर सकते हैं, क्लाउड में इंटरेस्ट है, तो फ्री में पहले ये देखिए। कई स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं विच गो बाय द बजवर्ड्स बट दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट रिलाइज अंडर इट, जैसे AI करनी है मुझे, लेकिन AI है क्या, आई डोंट नो, AI इन द एंड इट्स प्योर मैथमेटिक्स, ओके। सो इसलिए पहले हम उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लें, थोड़ी लुक एंड फील ले लें, फिर देखें कि इफ वी हैव एनी इंटरेस्ट देन गो विद दैट कोर्स, सो दैट आपका जो टाइम है वो सही फोकस जगह पे लग सके, ओके। सो मूविंग ऑन टू ग्राफिक डिजाइनिंग के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, फोटोशॉप के एंड ऑल के, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज बन जाते हैं अगर इस तरह के टाइम को देखें कि मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे इंडिया का खुद का जो NPTEL है, जो MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये मोस्टली IITs का कॉन्सोर्टियम है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये काफ़ी मॉडिफाई हो रहा है पिछले 3-4 साल से, मैं खुद इस पे देख रहा हूँ। और यहाँ पे गेट में अगर कोई स्टूडेंट एनरोल्ड है, जैसे मेरे चैनल पे ही गेट के स्टूडेंट्स हैं, तो गेट की प्रिपरेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो पिछले जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के यहाँ पे बहुत सारे 2011 से 2016 तक सारे पेपर्स यहाँ पे हैं। और रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, स्पेशल लेक्चर चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोर्सेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिस्ट हर एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का, यहाँ पे मैनेजमेंट का, मैथमेटिक्स का, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक किया तो डीप लर्निंग का बाय ऑनरेबल प्रोफेसर विनीत, उनके सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे, हर प्रोफेसर के लगभग अलग यहाँ पे कोर्सेज हैं, IIT मद्रास, IIT बैंगलोर, IIT खड़गपुर, ISC, तो बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। वीडियो कोर्स और वेब कोर्स भी, अगर आपको पढ़ना है वीडियो नहीं देखने, तो भी यहाँ पे कोर्सेज हैं। और टॉप के जो सारे हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। और एक लेटेस्ट जो यहाँ पे चीज़ आई है वो है NPTEL का ये इंटर्नशिप, ये भी NPTEL की वेबसाइट पे आपको यही मिल जाएगा, यहाँ पे है, देखिए आप ध्यान से, NPTEL में इंटर्नशिप है, NPTEL.ac.in पे इंटर्नशिप, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ये आती हैं इंटर्नशिप्स, ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली हैं, और इनमें क्या है कि जो जून जुलाई में एक सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है दिसंबर जनवरी में। तो यहाँ पे भी अगर आप अपना रिज्यूमे भेजना चाहते हैं, रिज्यूमे भेजिए, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे स्टाइफंड भी अवेलेबल है वीक्स के अकॉर्डिंग, और इंटर्न्स कैसे बनाया जाता है आप यहाँ पे सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और पिछले जो इंटर्न्स हैं उनके बारे में भी दिया कि कौन से सेशन में कौन कौन सा इंटर्न रह चुका और कितने टाइम तक किस प्रोफेसर के अंदर रह चुका है, और कौन से कॉलेज के वो प्रोफेसर थे या कौन से कॉलेज के वो इंटर्न बेसिकली रहे हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके गाइज, आई होप मैंने इस वीडियो के साथ जस्टिफाई किया हो, आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन दी हो। सो थैंक यू सो मच।